रेमेडी फॉर रिलेशनशिप, अट्रैक्शन बेसिकली, या चार्म बोल लो, बॉन्डिंग है ना, फिजिकल इंटीमेसी, कुछ भी जो भी रिलेशनशिप में जरूरत होती है ना, क्लोजनेस, किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टरबेंस है उसकी वजह से, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप में अट्रैक्शन ही चाहिए होगा है ना। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, आप बस इंग्रेडिएंट्स लिख लो इसके। बटर, ठीक है, अगेन हम इसको ब्रेड पे यूज कर सकते हैं यहाँ अच्छे से तो। और न्यू डिश मींस न्यू प्लेट है ना, और ओपन स्काई में करना है, टू बी सर्व बाय द कंसर्न पर्सन, जो भी आपके पास कंसर्न लेके आया है वो इस काम को करेगा। ठीक है, फ्राइडे को करना है, एक ही फ्राइडे बहुत है बस। और क्या ऐड करूं इसमें बताओ। मैम वो तो कोड आप ग्रुप में डालेंगे ना, जो आप मेंटल स्ट्रेस के लिए बोल रहे थे। हीलिंग कोड्स, हाँ आप बोल रहे थे ना एक हीलिंग कोड जो मेंटली डिप्रेस्ड या स्ट्रेस हाँ है। हाँ हाँ आप मुझे याद दिला देना, मैं ना भूल जाती हूँ, क्लास के बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। जी। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर ये रेम इस है ये मैम। जो हीलिंग कोड्स का कुछ कोर्स देखा था मैंने वेबसाइट पे, जो अभी नहीं दिख रहा है। मेरी वेबसाइट पे हाँ मैम, कब देखा था, लास्ट वीक अपडेट हुआ था बोला ना आपने, उसके पहले। नहीं होगा कहीं ऊपर नीचे हो रहा होगा, वो अभी हमने करा था ना एक, उसमें थे कुछ लोग। नहीं अभी तो नहीं है, क्योंकि मैंने कल चेक किया। अच्छा मैंने देखा नहीं, मैं एक बार देख के फिर अपडेट करूंगी आपको। वो ठीक है बेसिकली स्विच वर्ड्स का था और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स था, मिक्स था वो, ओवरऑल काफी अच्छा था ठीक वो। है। कभी हुआ था वो? ओके जून में हुआ था।